प्राथमिकता, यानी कि महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। और उसके लिए जहां पहले 3 महिला पुलिस बटालियन बनाई गई, सैकड़ों बहनों को रोजगार का अवसर भी मिला, पुलिस में भर्ती भी हुई, अब 3 के बजाय 6 महिला पुलिस बटालियन हो जाएंगी, 3 नई बनाई जाएंगी। इसके अलावा हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही, जिससे महिला सुरक्षा को और बढ़ावा मिलेगा, और 3,000 पिंक पुलिस बूथ बनाने की बात कही है, जहां पर महिला जाकर अगर कोई किसी के साथ अन्याय भी होता है तो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है, उचित कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, क्योंकि हम बात करें समृद्ध और संपन्न करने की, उससे पहले एक विषय में और कह दूं कि बाजारों में भी जब गांव की महिला कभी शहर में आती, कस्बे में भी, किसी छोटे से टाउन में भी जाती है, तो आपने देखा होगा शौचालय ना हो तो बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आना, बुजुर्ग महिलाओं का आना, बेटियां बहू का आना, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है शौचालय का ना होना। हमने तय किया है कि हम 1,000 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करेंगे और उनका रखरखाव भी सुनिश्चित करेंगे, और इसको मिशन पिंक टॉयलेट के नाम से ही आगे चलाया जाएगा। महिलाओं की समृद्धि के लिए जहां एक और सरकारी नौकरियों में, चाहे यूपीएससी की बात हो, यूपीएसएससी की बात हो, या फिर और सरकारी नौकरियां जो है, वहां पर भी महिला की जो अभी संख्या है, जितनी नौकरियां हैं उससे उसको दुगना करने का काम अगले 5 वर्षों में पूरा कर लेंगे। स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से बहनों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 5,00,000 नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, ताकि उन बहनों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, और इन स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली बहनों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा देंगे। ये क्रेडिट कार्ड में 1,00,000 रुपए तक की आने वाले समय में इसमें सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि कोई भी बहन अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाले समय में 1,00,000 रुपए तक का खर्च कर पाए, इतनी बड़ी सुविधा, इतने बड़ा सशक्तिकरण शायद आज से पहले नहीं हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्याज के काल चक्र से ही नहीं निकल पाते, उसी में फंसे रहते हैं, बैंकों से 2.5-3 गुना ज्यादा ब्याज भी गरीब परिवारों को कई बार देना पड़ता था, उससे भी मुक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप को जहां एक और अनुदान मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करने का, लाखों बहनों को फायदा होगा, वहीं पर उनको SHG क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी 1,00,000 रुपए तक की क्रेडिट की सुविधा मिल पाएगी। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की बात हमने कल घोषणा की है, ये हमारी उन बेटियों को, उन बहनों के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य भी उज्जवल करेंगी। बेटियों के लिए मुफ्त स्कूटी की सुविधा ये अपने आप में उनके और सशक्तिकरण की ओर ले जाएगी। सभी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम स्वास्थ्य बीमा मिशन मोड पर प्रदान करेंगे, ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके। खेलों में भारत की बेटियों ने शानदार काम किया, उत्तर प्रदेश में भी महिला एथलीट्स ने प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एवं डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत करेंगे, जहां महिला खिलाड़ियों को चुना जाएगा उनकी प्रतिभा के अनुसार, और उनको 5,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का हम काम भी करेंगे। इसके अलावा विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपए की पेंशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको याद होगा ये वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन पूर्व की सरकार में मात्र 300 रुपया मिलती थी, हमने बढ़ाकर उसको 1,000 किया था,
अब हम उसको बढ़ाकर 1500 करने वाले हैं। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार ये आगे भी निरंतर जारी है। इसके लिए हमें संकल्प पत्र में सशक्त नारी के अंतर्गत इसको लेकर आए हैं और हम उत्तर प्रदेश की अपनी बहनों को, मातृशक्ति को विश्वास दिलाते हैं कि योगी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए काम भी करती रहेगी, समृद्ध, संपन्न और स्वावलंबन के लिए भी आगे हमारी सरकार समर्पित रहेगी। हिमांशु जी, जिसका एक एक नाम लेते जाएंगे। तो अनुराग ठाकुर को सुन रहे हैं आप, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा पत्र को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ी घोषणा की, बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं के बाद हर वर्ग के लिए घोषणाएं करेंगे।